धान जैसे मुख्य फसल में किसान भाइयों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं, और ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये चुनौती भरा कार्य हो जाता है कि वो किस तरह से अपने धान की फसल की देखभाल करें और उन्हें रोगों से बचा कर रखें। सबसे पहले इन सब से निजात पाने के लिए तो ये ज़रूरी है कि हमें रोगों और कीटों की पहचान हो और उसके रोकथाम के बारे में भी पूरी जानकारी हो। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि धान में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। धान में लगने वाली एक कीट है तनाछेदक। इस कीट की पहचान इसके पंखों पर पाए जाने वाले काले बिंदु से किया जाता है। ये पिल्लू फसल की किसी भी अवस्था में धान के पौधों में छेद कर उसके गाभा को अंदर से काट देते हैं, जिससे पौधे का गाभा सूखा हुआ दिखाई देता है, और बालियां निकलने के समय इस कीट का प्रकोप होने से केवल सफेद बालियां नजर आती है और दाने खखड़ी भी हो जाती है। इस कीट का प्रकोप जुलाई से नवंबर माह के बीच देखा जाता है। इस कीट के लार्वे धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और ज्यादातर फसल की शुरुआती अवस्था में ये कीट पौधों को अपना शिकार बना लेते हैं। इससे बचाव के लिए नर्सरी से जब आप पौध को रोपने के लिए लाते हैं तो उस वक्त पौध के ऊपरी सिरे को काट छांट कर हटा दें, ताकि कीट के अंडे धान की खेत तक ना पहुंच सके। अब अगर बालियों के निकलने के समय इस कीट का प्रकोप हो जाए तो धान की बालियां पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। किसान भाइयों, तनाछेदक कीट के प्रकोप से फसल की सुरक्षा के लिए कई तरह के कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है, जिसमें से एक कीटनाशक है कारट्रेप हाइड्रोक्लोराइड, जो आपको 50% SP में मिलता है। इस कीटनाशक का 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जाना चाहिए।